आज एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ जो बड़ा नाजुक हालत में है। ये एक रोड है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये रोड है जो कि शामली को कैराना से और कैराना को शामली से जोड़ता है। जब आप हाईवे पर रहेंगे, जो कि नया हाईवे बना है, जब उसकी बात करेंगे तो जैसे ही आप जगनपुर की तरफ आएंगे और कंडेला की तरफ चलते हुए शामली की तरफ जाएंगे तो इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि कहने सुनने से परे है। कुछ गड्ढे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इन गड्ढों की, और आगे आगे दिखाता चलूँगा आपको। यहाँ से लोग इतने एक्सीडेंट इस रोड पर हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब आदमी बाइक पे जा रहा होता है और उसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, तब ये देखिए ये गड्ढा। अभी और भी बहुत सारे गड्ढे आपको दिखाऊँगा जिसकी वजह से लोगों को समस्याएँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और यहाँ कई बार एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचे हैं लोग। बीचों बीच इतने गड्ढे हैं, ये देखिए गाड़ी की तरफ करिए भाई, थोड़ा सा गाड़ी वाला कितनी तेज़ी से आ रहा है, और जो लोग इस पे चल रहे हैं ये देखिए, यहाँ गड्ढे से बचना नामुमकिन है। ये देखिए ट्रक आ रहा है, इसको बचना पड़ेगा, चारों तरफ घुमाना पड़ेगा। और फिलहाल जो थ्री व्हीलर हैं वो बहुत तेज़ी से इस पर बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको बीच का दिखाता हूँ, बीच में किस तरीके से गड्ढे और सड़कों में गड्ढे किस तरीके से हो चुके हैं। किसी विधायक ने, किसी MP ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है ध्यान दिया भी नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये सड़क के बीच में किस तरह का गड्ढा है। यहाँ अभी और भी गड्ढे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए और भी गड्ढा। जब इसमें बारिश हो जाती है तो गड्ढों पर पानी इस तरीके से भर जाता है। ये देखिए ये भी गड्ढा। वैसे कह रहे हैं हमने सौंदर्यकरण कर दिया है, नए नए रोड बना दिए हैं, नए नए फ्लाईओवर बना दिए हैं, लेकिन वो किसानों की ज़मीनों को छीनकर इतने फ्लाईओवर देश में बन रहे हैं। ये देखिए कोई भी गाड़ी आपको मंदी होती नहीं दिखाई देगी, सारी गाड़ियाँ स्पीड पर चल रही होंगी। और ये गड्ढे देखिए आप, चारों तरफ गड्ढे हैं इस रोड पे, जहाँ तक आप जाएंगे लगातार गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये देखिए ये भी सामने बाइक आ रही है, ये भी गड्ढे से बचेगी। बचने के लिए उसको कट मारना पड़ता है, और जब वो कट मारता है तब उसके सामने दिक्कतें होंगी। अब आप एक चीज़ बताइए, मैं सारे पूरे रोड का इसका मुआयना आपको करवाऊँगा शामली से जैसे ही आप निकलेंगे। हालांकि शामली के अंदर तक भी यही हाल है, लेकिन शामली से जब बाहर की तरफ आएंगे आप, नहर को क्रॉस करेंगे, तब जाकर यही दिक्कत रहेगी। अब आगे आपको दिखाता हूँ, जब आप हाईओवर की जो फ्लाईओवर बनाया गया है यहाँ जगनपुर के पास में, जो फ्लाईओवर बना हुआ है वहाँ आप जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ तक गड्ढे बने हुए हैं। आगे आ जाइए, आपको कुछ और गड्ढे दिखा देता हूँ। इन गड्ढों की हालत देखिए आप, आदमी यहाँ अपनी बाइक को, अपने ट्रैक्टर को, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए इधर उधर गट मारता है। ये देखिए ये यहाँ भी गड्ढे से बचकर आई है गाड़ी, ये गड्ढा देखिए और इसकी हालत देखिए गड्ढे की, ये देखिए। बताओ इसमें कौन आदमी ऐसा होगा जो इसमें उसकी बाइक गिरेगी और वो बच जाएगा। ये देखिए गड्ढा देख लीजिए, कितना अच्छा गड्ढा है। वैसे तो गड्ढा मुक्त सरकार है और सरकार गड्ढे हटा रही है देश से, हर जगह रोड नए नए बन रहे हैं, लेकिन नए रोडों की हालत भी आप देखेंगे, नए रोड की हालत भी कई जगह से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जर्जर होती जा रही है। ये गड्ढे आपने देखे, अब आगे देखिए गड्ढा, ये देखिए ये गड्ढा भी, ये भी गड्ढा खतरनाक हो चुका है। इस गड्ढे में अगर बाइक पड़ेगी तो उसके जो या तो उसका जो रिम है वो टूट जाएगा, या उसके अलॉय व्हील हैं वो टूट जाएंगे। और आदमी भी आजकल, ये देखिए तीन, ये जो भाई जा रहे हैं तीन बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, इन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। ये भाई साहब भी हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, किसी को हेलमेट की कोई चिंता नहीं है। और भी आ रहे हैं, ये भी, इन्होंने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। देखिए फिर कहेंगे हमारा चालान कट गया, हमारे नुकसान हो गया, कोई बेल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए भाई साहब बिना बेल्ट के जा रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, कानून टूटे तो टूटे, कोई कहीं जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब आ रहे हैं, इन्होंने हेलमेट लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब जाए हेलमेट लगा रखा है आपने, इन भाई तो बात कर ले एक बार, ये जो सड़क टूट रही है इन तो पूछेंगे एक जा। ये भाई भी नहीं चलते बिना हेलमेट के, इसने भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ज़िंदगी तक कोई प्यार नहीं है, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाने का आदमी गाड़ी में, अपने मोबाइल का जो गार्ड है उसको सुरक्षित रखेगा। अच्छा भाई, जो ये रोड टूट रहा है कितना टाइम हो गया इस रोड ने टूटे? इसे भैया हो गए होंगे, ये बारिश ही हुई थी बस उसमें टूटा था, उससे पहले नया था, बिल्कुल साफ सुथरा, उससे पहले गड्ढा नहीं था रोड में जी। तो अभी इसी बारिश में ही गड्ढे हो गए? हाँ जी, एक ही बारिश में गड्ढे हो गए। ये दो तीन दिन बारिश हुई ना अब, जब ही गड्ढे हुए यहाँ, नहीं तो गड्ढे नहीं थे। मैं भी इसी रोड पे रहता हूँ परमानेंट, मैंने ज्यादा दूर का नहीं हूँ। तो खैर चलो, किसी से डर है क्या आपको? ना डर रहा मैं किस बात का, गड्ढे तो जो कि तू है इसमें काफी लंबे टाइम से, अभी पिछले 2-3 महीने पहले गड्ढे भरे थे। पहले तो भरे थे जब वो एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, रिक्शा से मरी थी, जब तो गड्ढे भरे थे, लेकिन अब बारिश हुई थी फिर गड्ढे हो गए। तो ऐसा कैसा, आप आपके टाइम में आपने देखा होगा, जब आप, आपकी उम्र लगभग 8-10 साल की होगी, आपने देखे होंगे तारकोल किस तरीके से सड़कों पर डाला था। अब स्प्रे होता है तारकोल का जी? हाँ,
तो ये दिक्कत है ना भाई इस चीज़, दिक्कत तो बहुत ज्यादा, एक्सीडेंट भी होता है, गाड़ियां भी फंस जाती है इनमें। अब कोई गड्ढा बचाएगा तो पीछे से ठोक देते हैं उसे। तो जब भाई वो कट मार गए आगे होगा। अब आपका आगे आपको दिखाता हूँ आगे जो गड्ढों की हालत है। हालांकि आपको मैं दिखाऊंगा, पूरी वीडियो में कोशिश करूंगा दिखाने की किस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं। ओके, ऐसा देखो भाई ये जो गड्ढा है ये देखो, अगर इसमें यहाँ पर मोटरसाइकिल लग गई किसी की बाई चांस तो देखो, यहाँ देखो इस इधर देखो, ये देखो क्या हालत होगी इसकी, ये देखो क्या हालत हो रही है इसकी, मामला ख़राब हो जाएगा। चलो खैर आप जल्दी दिखाते हैं आपको और भी गड्ढे, आप दो और भी गड्ढे दिखाए जाएंगे जो कि बड़े नाजुक स्थिति में है, बड़े दुर्लभ हालत में। ये देखिए भाई ये जो गड्ढा है इसमें समझ में नहीं आ रहा गड्ढे में मोटरसाइकिल पड़ेगी या मोटरसाइकिल में गड्ढा पड़ेगा या गाड़ी गड्ढे में पड़ेगी या गड्ढा गाड़ी में पड़ेगा, कुछ नहीं पता लग रहा। ये देखो कहाँ किस तरीके से, ये देखो ये गाड़ी किस तरीके से घूमती हुई, और ये देखो गड्ढा, ये देखो बीचों बीच के दिल सा बना रखा है बीचों बीच, और ये देखो एक ऊपर है जहाँ मिट्टी पड़ी है यू वाला देखो। खैर जो भी है ठीक है भाई सही चल, ये तो दिखाते था एक क्यों यहाँ सीन हो रहा है। एक इस तक एक और गड्ढा है, अगर इस गड्ढे में बाई चांस रहते ना कोई आदमी तेजी से आ गया बाई चांस हो जा घर पे कोई दिक्कत हो जा कोई ऐसी बात हो जा तो इस गड्ढे में अगर पड़ गई तो अपना जयराम जी की हो जाएगी भाई।